देश की सबसे पुरानी पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, मतगणना कुछ देर में होने जा रही है। ये मतपेटियां यहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन मधुसूदन मिश्री यहां पर मौजूद हैं। तकरीबन 9,800 से ज़्यादा डेलीगेट हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष पद का के लिए मतदान कर चुके हैं, जिसमें से करीब 200 लोगों ने नहीं किया, 9600 वोटों की मतगणना होनी है। राजेश मिश्रा, अरविंदर सिंह लवली, तमाम जो कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। टेबल्स लग गई हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के लोग हैं जो पोलिंग एजेंट हैं, एक तरफ लोग हैं शशि थरूर के जो पोलिंग एजेंट हैं। उन सबके सामने मतगणना होगी और तकरीबन 3 से 4 बजे कांग्रेस के नए अध्यक्ष का घोषणा कर दी जाएगी, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर कौन होगा। हालांकि जो जानकारी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि खड़गे को आलाकमान का, गांधी परिवार का आशीर्वाद मिला हुआ है और मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष होने जा रहे हैं। तकरीबन 24 साल बाद कांग्रेस पार्टी को गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मिलने वाला है।